हेलो फैमिली, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मुन्ना किचन में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बोनलेस लेग पीस बनाने की बहुत ही मज़ेदार और एकदम आसान रेसिपी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक टोप में बोनलेस लेग पीस को ले लेंगे। चिकन ऐड करने के बाद अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर को ऐड कर देंगे, 1 बड़े चम्मच लहसुन मिर्च के पेस्ट को ऐड कर देंगे, 4 बड़े चम्मच सोया सॉस को ऐड कर देंगे, 4 बड़े चम्मच चिली सॉस को ऐड कर देंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। साथ ही में अब हम इसमें थोड़ा सा अजीनोमोटो भी ऐड कर देंगे, 1/2 नींबू के रस को ऐड कर देंगे, ग्रीन अनियन के पत्ते को ऐड कर देंगे बारीक बारीक कट करके। अब हम इसे हाथों की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे के बाद अब हम एक पैन में 3 बड़े चम्मच तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। चिकन को अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके इस पे 2 पीस को ऐड कर देंगे चिकन के। साथ ही साथ आप गैस की आंच मीडियम कर लें। अब हम इसे चिमटे की सहायता से अल्टी पल्टी कर लें ताकि चिकन आपका दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। लगभग 7 से 8 मिनट अच्छी तरह से पकाने के बाद आप देख सकते हैं चिकन आपका अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम बचे हुए तेल में चिकन के पीस को ऐड कर देंगे एक एक करके। बीच बीच में चिकन के पीस को अल्टी पल्टी करते रहिए ताकि आपका चिकन दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए, आपको खाने में और भी मज़ा आए। लगभग 7 से 8 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं आपका चिकन अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम गैस की आंच बंद करके इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम सेम पैन पे 2 बटर क्यूब को ऐड कर देंगे। गैस की आंच स्लो कर लें। बटर अच्छी तरह से मेल्ट होने के बाद अब हम इसमें चिकन को ऐड कर देंगे। चिकन को ऐड करने के बाद जिस टोप में हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था उसमें जो ग्रेवी बच गई रहेगी उसे हम ऐड कर देंगे और पलटे की सहायता से अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। गैस की आंच आप मीडियम कर लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढककर लगभग 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। लगभग 5 मिनट हो चुका है, अब हम ढक्कन हटा लेंगे। अब हम इसे पलटी की सहायता से एक बार कुछ इस प्रकार से चला लेंगे। अच्छी तरह से चलाने के बाद अब हम गैस की आंच फास्ट करके इसे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। लगभग 2 मिनट अच्छी तरह से पकाने के बाद आप देख सकते हैं आपका चिकन बनके एकदम अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम गैस की आंच बंद करके इसे चिमटे की सहायता से एक पीस को निकाल लेंगे। अब हम इसे चाकू की सहायता से कट कर लेंगे।
चिकन को अच्छी तरह से कट करने के बाद आप देख सकते हैं आपका चिकन अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इस पर थोड़ा सा ग्रीन अनियन को छिड़क देंगे। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं बोनलेस लेग पीस बनके एकदम अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अगर रेसिपी पसंद आई रहेगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।